मान्यता प्राप्त पत्रकार समन्वय समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अपर सूचना अधिकारी अंजनी कुमार मिश्रा, कृष्ण मोहन सैनी सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से संबंधित समस्याओं को मौजूद अधिकारियों से रूबरू कराया, जिससे उसका समाधान किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अब किसी ग्रामीण पत्रकार बार वाले हैं, लिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि समझ सही रहते हुए भी आप गलत माने जाते हैं। तो अगर ऐसी सर, हम लोग ग्रामीण करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता जो है एक काफ़ी दुरूह कार्य है। दुरूह कार्य इसी सरकारों को नहीं दी जाती है कि हमारे यहाँ यह कार्यक्रम है हासिल करके अपने समाचार पत्रों में लोगों तक जो है परोसते हैं। या आप सरकारी योजनाओं से संबंधित जो बैठक या कार्यक्रम करते हैं उसको समय से सूचना करीबन ये सीएससी पीएससी भी करते हैं। सीएससी पीएससी पे जैसे नस्कटिंग कैंप लगाते हैं या आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराते हैं। आपकी बात है, इन सब चीज़ों का जो है वहाँ संवाद की कमी है। संवाद की संवाद देखे और सुने उसको अगर हमने लिख दिया तो हम इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, ये हम इसको पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सब दिए। और बताओ सर, मैं क्राइम सब यहाँ और जो परेशानी इलेक्ट्रॉनिक जैसे हमें सबसे ज़्यादा परेशानी क्राइम की खबरों में तब होती है जब हमें सक्षम अधिकारी फाइल जैसे कम है, तो आपको आइवरमेक्टिन और जो एजिथ्रोमाइसिन, डायऑक्सीसाइक्लिन, विटामिन सी, जिंक, वो सारी दवाई जो हमारी पीएचसी पे अवेलेबल है वो स्टार्ट कर दें। 3-4 दिन में अगर बहुत सारे लोग 90% से प्लस लोग किसी में ठीक हो जाए, 5-6 दिन अगर फिर भी वो बॉडी को नहीं छोड़ रहा है, वायरल लोड बढ़ रहा है, तो फिर क्या होता है कि वो आपके जो हम बोलते हैं कि माइल्ड से मॉडरेट की तरफ आते हैं। तो मॉडरेट में भी दवाई फिर चेंज करेंगे। मॉडरेट में क्या है कि उसके एक्स्ट्रा एक्सरे कराना पड़ेगा, उसके ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो एक्सरे ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कि कहीं छाती में तो नहीं जा रहा, और ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि जो हमारे ऑलरेडी जो बीमारियां की उसको बढ़ावा तो नहीं दे रहा। जैसे हो सकता है खून काढ़ा करें, हो सकता है शुगर है, किसी को शुगर बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, हो सकता है किसी का बीपी बढ़ा दे, क्लॉटिंग कर दे खून काढ़ा होने से जिससे हार्ट अटैक आ जाए, और जो अन्य चीज़ें हैं जिनकी दवाइयाँ हैं हमारे पास, वो सब चीज़ों की तरफ वो चीज़ों को मॉनिटर करने की जरूरत है क्लिनिकल। जब वो क्लिनिकली डिटरमाइन हो जाएगा वो दवाइयाँ भी पैरेलली चलेगी, लेकिन ये क्वालिफाइड डॉक्टर से हो जो कि L2 लेवल पे अवेलेबल है। अगर मान लो इसमें से भी 3-4% ठीक हो गया मेरे, फिर एक जो लास्ट परसेंटेज है जो क्रिटिकल हो जाता है वो L3 BRD फातिमा इधर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। जो हमने डेथ केसेस एनालिसिस किए हैं उसमें यही समझ के आया है कि वो ये 10 दिन के पीरियड जिसमें ये क्लासिफिकेशन हो जानी चाहिए थी वो इसमें नहीं आया, तो या तो अपना इलाज करता रहा या उसका इलाज गलत होता। ये मेरी एक जस्ट जनरल अनुभव है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जिसे हमें ध्यान रखना कि कोरोना में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट, और बहुत सारे लोग टेस्ट से बचते हैं, जबकि हमारी हर PHC पे हमारा टेस्टिंग हो रही है, उसके शेड्यूल फिक्स है। चरगांव में 24 घंटे 7 दिन टेस्टिंग है, और फिर भी कहीं समस्या है तो हमारे नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। कोरोना को लेके भी किसी को कोई प्रॉब्लम है हमें डायरेक्ट कॉल करें, जैसे हमारे पास अभी नागरिक डायरेक्ट हमसे टच में आते हैं, बात करते हैं, हम लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो हम पक्का हमारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सेवा भी हम करेंगे। जी सर, आप लोग जो पक्का कोरोना वॉरियर्स हैं, हम लोग उसको मानते हैं। मैंने तो कई बार कमेंट किया जब आप लोग हमें बार बार आते हो, अगर अजय मेरे साथ कई बार आता है, अजय को बोलता है तो बहुत रिस्क लेते हो, सुबह शाम लगे रहते हो, नॉर्मली कमेंट होता है क्योंकि जो मजे को मैं अभी जान पा रहा हूँ होते रहते, तो ये आप हैं सबको देखा आपने। हमें इसमें जो मास्क है उसको बहुत अच्छे से टाइटली बांधना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाकी ये अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है विटामिन सी से या वैसे डाइट से, डाइट और काढ़े इसमें हेल्प करते हैं, वो करिए। लेकिन स्टिल अगर कोई आ जाता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम आपको दिए।
पद स्तरीय स्थायी समिति जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में गठित है। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक 2 माह में इसकी बैठक कराई जाती है, जिसमें पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में कोई भी शिकायत या समस्या होती है तो उसका निराकरण किया जाता है। अभी तक जनपद में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है और यह बैठक नियमित रूप से जारी रहेगी।